हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरव। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्काय में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक XT60 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो मेरे हाथ में है वो है XT60 कनेक्टर। तो फ्रेंड्स, आपने कई जगह पे देखा होगा कि ड्रोन में मोस्टली XT60 कनेक्टर यूज़ होता है। तो ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसे लगाने से आप स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट वो सबसे बच सकते हो। यानी कि आप ये यूज़ करते हो तो उसे होने का चांसेस 90% तक कम हो जाता है। अगर आपने XT60 कनेक्टर सही से बनाया हुआ है तो आपको शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि XT60 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक XT60 कनेक्टर बनाने के लिए आपको चाहिए ये सोल्डर का जो तार आता है वो, देन XT60 कनेक्टर, देन कुछ केबल्स, देन कटर अगर ज़रूरत पड़ी वायर काटने की तो, और सबसे जो खास है वो है हमारा सोल्डर। तो फ्रेंड्स, आपको एक कनेक्टर बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप ड्रोन बनाएं तो बिल्कुल याद रखिए, इसे यूज़ करना ना भूलें, वरना शॉर्ट सर्किट के भी वजह से आपकी ESC खराब हो सकती है या फिर आपकी मोटर भी खराब हो सकती है, कुछ भी आपको नुकसान हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप XT60 कनेक्टर ही यूज़ करें। मैंने भी अभी तक जितने भी ड्रोन बनाए हैं उसमें यही यूज़ किया है, आपने देखा होगा, और आगे भी यही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप यही यूज़ करें, ये सबसे अच्छा है। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।